उत्तराखंड में जल्द लागू होने वाले यूसीसी कानून को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पौड़ी पहुंचे गणेश गुदियाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मुद्दे से जनता का ध्यान मोड़ने के लिए इस कानून को लाकर अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा रही है, जबकि यूसीसी कानून की जानकारी सरकार को जनता के साथ साझा करनी चाहिए, लेकिन सरकार को बेरोजगारी, महंगाई को रोकने और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। चुनाव पर उन्होंने कहा कि केदारनाथ पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, कांग्रेस हाईकमान जिसे भी टिकट देगा पार्टी एकजुट होकर सीट कांग्रेस की झोली में लाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। अगर हम लोकसभा के आंकड़ों से कंपेयर करें तो भी आपको प्रतीत होगा कि केदारनाथ में हम ठीक ठाक स्थिति में तब भी थे, तो अब विधानसभा में तो हम और अच्छी स्थिति में। मैं केदारनाथ से ही आ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ, और वहाँ पर परसों जब हमने बैठक रखी तो पार्टी के तमाम दावेदारों ने ये संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएं। हम दावेदारी कर रहे हैं, सबने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। और अगर पार्टी ये तो तय है कि एक ही को टिकट मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और हम चुनाव जीताएं। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और उस जोश का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो केदारनाथ में निश्चित रूप में एक बार फिर बद्रीनाथ का जो परिणाम है उसको कांग्रेस केदारनाथ में दोहराने जा रही है।